शुरुआत में हमें केनेथ नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो गोस्ट गैजेट की मदद से किसी भूत से बात करने की कोशिश करता है। वो काफी देर तक ऐसा करता रहता है, लेकिन आगे से कोई भी रिस्पांस नहीं आता, तो इसीलिए वो हार मानकर अपना सामान समेटने लगता है। लेकिन तब वो गैजेट अपने आप से ही एक्टिवेट हो जाता है और कोई साइन दिखाने लगता है, और तभी उसे दरवाजे के पीछे एक गोस्ट दिखाई देता है और वो भूत होता है नन का। ये देखकर वो डर जाता है और दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से घूमकर वापस से उसी रूम में आ जाता है। केनेथ कई बार उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो दोबारा से बार बार उसी रूम में ही आ रहा था। फिर केनेथ विंडो खोलकर अपना बैग बाहर फेंकता है, लेकिन वो बैग दोबारा से उसी रूम में आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से उसी नन का गोस्ट आ जाता है और वो केनेथ को घसीट कर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन केनेथ उसे क्रॉस दिखाकर डराता है और वो भूत वहाँ से भाग जाता है। और जब केनेथ वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो वो भूत उसे बेड के नीचे खींच लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर एना दिखाई जाती है, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी से अपना पिज्जा ले रही थी। एना अपनी फैमिली के साथ इस घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में शिफ्ट होने वाली थी। एना और उसका हस्बैंड सारा सामान पैक करके वैन में रख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एना के पास उसके एक्स हस्बैंड की कॉल आती है, लेकिन एना उसे कोई रिस्पांस नहीं देती। फिर रात के टाइम एना अपनी बेटी के रूम में जाती है और तब उसकी बेटी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तब एना अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो बिस्तर को हटाती है, तो वो देखती है कि उसकी बेटी तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एना की बेटी बाहर से अंदर आती है। तब एना उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, तुम पहले से ही बिस्तर पर थी ना। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं मामा, मैं तो बाहर से आई हूँ। एना को समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट डे एना अपने वॉशरूम में होती है, तब हमें वहाँ भयानक सा उसी नन का साया दिखता है। एना और उसका हस्बैंड अपने न्यू घर में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। एना का हस्बैंड अपनी बेटी को साथ लेकर अपने न्यू घर में जा रहे होते हैं। तब एना कहती है कि आप लोग जाएं, तब तक मैं सामान समेट लेती हूँ, और ये कहकर एना घर में जाने लगती है। और जैसे ही एना घर के अंदर आती है, तो तभी वहाँ पर कुछ बर्तन नीचे गिरकर टूट जाते हैं, और जैसे ही एना उन बर्तनों को उठाती है, तो वहाँ फ्लोर पर स्टे लिखा हुआ था। तब एना ये देखकर काफी डर जाती है। फिर कुछ टाइम बाद इस घर की असल ऑनर डोना घर में आती है। वो एना को कहती है कि मेरे घर का जो भी नुकसान हुआ है, तुम उसकी भरपाई कर देना और उसके बाद यहाँ से चली जाना। घर का एक पाइप लीक हो रहा है, तो मैं कुछ टाइम बाद एक मैकेनिक को यहाँ पर भेजती हूँ। तब ये कहकर डोना वहाँ से चली जाती है। एना जब ऊपर वाली रूम में आती है, तब एक दीवार पर भी स्टे लिखा होता है। एना सोचती है कि शायद वो थक गई है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तब इसीलिए एना बिस्तर पर सो जाती है, लेकिन तभी एक डरावना सा हाथ नीचे से निकलता है और एना के हाथ को पकड़ लेता है। तब एना काफी डर जाती है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए बाथरूम में आकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर उस नन का भयानक साया फिर से आ जाता है और वो एना को मारने की कोशिश करता है, और वो एना को कहता है कि तुम इस घर में ही रहो। तब एना अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन कॉल पर भी उस नन का गोस्ट उससे बात कर रहा था और उसे कहता है कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसके बाद एना का मोबाइल अपने आप ही टूट जाता है। तब एना घर से बाहर जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि दरवाजा लॉक था। और तभी एना को उसका एक्स हस्बैंड दिखाई देता है। तब एना उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करता और एना को मुसीबत में छोड़कर ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पर एक मैकेनिक आ जाता है, और ये मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि केनेथ था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। जैसे ही केनेथ अंदर आने की कोशिश करता है, तो वो दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। अब एना और केनेथ दोनों इस घर में फंस गए थे। तब केनेथ एना को बताता है कि मैं जानता हूँ कि इस घर में गोस्ट है, नन का गोस्ट, और उसका नाम सिस्टर कैथरीन है, और उसका भूत इस घर में फंस गया है और उसे एक लड़की का सेक्रीफाइस चाहिए, और तभी जाकर उसकी सोल को सुकून मिलेगा, और इसीलिए तो वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे रही। तब केनेथ कहता है कि हमें उस सोल से बात करनी चाहिए, हमें उसे पूछना चाहिए कि आखिर वो हमसे चाहती क्या है। इसीलिए केनेथ एना के साथ बैठकर दोबारा से उस सोल को बुलाने की कोशिश करता है। ये दोनों मिलकर उस नन के गोस्ट को कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, इसीलिए प्लीज हमें परेशान मत करो, हमें जाने दो यहाँ से। लेकिन तभी वहाँ उस नन का गोस्ट आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। नन का गोस्ट एना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना के हाथ में वो होली क्रॉस था, जिसे देखकर वो सोल डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब केनेथ वहाँ पर नहीं था,
क्योंकि उस भूत ने उसे कहीं पर छुपा दिया था। एना केनेथ को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर एक रूम में एना को अपने दोनों हस्बैंड मिल जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और फिर वो दोनों एना को घूरने लगते हैं। इसीलिए एना डर जाती है और वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वापस से उसी रूम में आ जाती है। वो बार बार इसी रूम में आ रही थी जैसे मूवी के स्टार्ट में केनेथ आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर एना को अपनी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई दिखती है। अपनी बेटी को देखकर एना उसे गले से लगा लेती है लेकिन असल में ये तो नन की एक चाल थी। तब एना की बेटी उस पर अटैक कर देती है और उसे काफी इंजर्ड कर देती है। तब एना बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और फिर उसे केनेथ की आवाज़ सुनाई देती है और फिर एना को केनेथ मिल भी जाता है और वो भी काफी इंजर्ड हो गया था। फिर उस नन का गोस्ट दोबारा से उन पर अटैक कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद डोर बेल बजती है। दरवाजे पर घर की ऑनर डोना थी। फिर डोना घर का दरवाजा खोल देती है और वो दोनों बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। फिर एना को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एना अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी लेकिन असल में ये सब भी उस नन की एक चाल ही थी जो आपको आगे पता चल जाएगी। एना के हस्बैंड का बिहेवियर लगातार उससे बदलता जा रहा था और वो बार बार एना को मेडिसिन लेने पर मजबूर करता था। एना की याददाश्त अब पूरी तरह जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ पहले क्या क्या हुआ। और इसके बाद एना का एक्स हस्बैंड वहाँ पर आता है जो एना को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है लेकिन एना उसे मना कर देती है। लेकिन तब वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। तब एना उसे भी वो क्रॉस दिखाती है जिससे उसका हस्बैंड डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। असल में ये सब कुछ एना का सपना था जबकि रियल लाइफ में वो अभी भी उसी घर में ही फंसी हुई थी। फिर एना और केनेथ यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। एना उसे कहती है कि तुम उस नन का ध्यान भटकाओगे तब तक मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखूंगी। तब केनेथ बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो उस नन को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। लेकिन फिर वो नन केनेथ को पकड़ लेती है और गुस्से में उसे कहती है कि तुम मुझे पागल बना रहे थे और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो ये भी कहती है कि अब तुम एना को मारोगे वरना तुम मरोगे। तब केनेथ ऐसा ही करता है और वो एना को मारने की कोशिश करता है। तब एना बड़ी मुश्किल से उससे बचते हुए केनेथ को ही मार देती है। इस घर के नीचे से एक रास्ता था जिसके बारे में एना को पता था इसीलिए एना एक हैमर की मदद से फ्लोर को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी उस नन का गोस्ट वहाँ पर आ जाता है और एना को कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मत जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत है तुम्हारी। लेकिन एना कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और ये कहकर एना नीचे कूद जाती है। बेसमेंट के अंदर एना को और भी बहुत सारे भूतों का सामना करना पड़ता है। एना जैसे तैसे करके बेसमेंट से बाहर आने में कामयाब हो जाती है। घर के बाहर एक बस खड़ी हुई थी जिसमें बैठकर एना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एना देखती है कि उसका हस्बैंड घर की तरफ जा रहा है एना को लेने। तब एना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तब तक उसका हस्बैंड घर के अंदर जा चुका था। अब ना चाहते हुए भी एना को उस घर में जाना पड़ता है। यहाँ पर एना और उस नन के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन उस नन का गोस्ट धूप से डरता था इसीलिए धूप में आने की वजह से वो जलकर मर जाती है। तब एना अपने हस्बैंड को लेकर घर से बाहर आ जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।